Good morning, student. I hope you are well. You are most welcome here on the India's online education platform. आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, कौन कौन से एरिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है कि किस एरिया में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में 6-7 क्वेश्चन ऐसा मतलब बनाया गया है ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दें, ताकि पता चले कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में श्योरली क्या है कि पूछा जाएगा। ओके, तो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द नोबेल प्राइज। 2022 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं लोगों को, कौन कौन से एरिया में पहले दिया जाता है, तो यहाँ देखते हैं कि 6 अलग अलग एरिया में नोबेल प्राइज दिया जाता है। आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे मौजूद है वो कौन कौन सा एरिया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि नोबेल प्राइज का नाम नोबेली प्राइज क्यों रखा गया, कोई और क्यों नहीं प्राइज रखा गया। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल का आप लोग नाम सुना होगा, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के रेस्पेक्ट में इस प्राइज को रखा गया। ठीक है, जिसका नाम रखा गया हम लोग नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बनता है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से की गई। तो ये आपका डेट है, इसको आपको याद रखना होगा, 1901 से स्टार्ट किया गया नोबेल प्राइज को देना। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 अलग अलग एरिया में दिया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज दिया जाएगा, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के फील्ड में मिलेगा नोबेल प्राइज, पीस मतलब शांति के क्षेत्र में मिलेगा। अगला जो फिफ्थ है वो लिटरेचर के क्षेत्र में मिलेगा, साहित्य के क्षेत्र में मिलेगा, और फिर ये सिक्स नंबर क्या है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आप समझ गए कि नोबेल प्राइज जो है वो 6 अलग अलग एरिया में मिलता है। कुछ और भी पॉइंट है, कह रहे कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। ये थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायन, देखिए केमिस्ट भी थे, अभियंता, इंजीनियर भी थे, आविष्कारक, इन्वेंटर भी थे, व्यापारी और लोकोपकारी व्यक्ति थे। ठीक है, लोकोपकारी का मतलब कि लोगों को उपकार भी करते थे। नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था। ठीक है, उन्होंने सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्वेंशन किया था वो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, इसलिए इनके रिस्पेक्ट में ये प्राइज दिया गया जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। तो आप इसको देख रहे हैं तो इसमें 2-3 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि नोबेल प्राइज का शुरुआत कौन से ईयर से किया गया। तो योर आंसर विल बी 1901, और कौन कौन से एरिया में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं सबसे पहले कि 2022 में जो इधर आपका फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला वो किसको किसको मिला और किस लिए मिला। नोबेल प्राइज से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे तो दो तरह का वीडियो आपके सामने आएगा। एक शॉर्ट वीडियो आ रहा है जिसमें कि ये बताया जाता है कि नोबेल प्राइज किस एरिया में कौन कौन साइंटिस्ट को मिला और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द डिफरेंट फील्ड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 फिजिक्स के क्षेत्र में। तो एक हम इसका ट्रिक इधर क्या है डिजाइन किया गया, जैसे भूत की एलियन क्लॉज आए तो जिलेंगे। देखिए ये 3 नाम अगर आप याद रखेंगे तो फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला है इजी वे से आप मतलब क्वेश्चन के आंसर कर देंगे। मतलब भूतिकी का मतलब इधर बात हुआ भौतिकी, ठीक है, और भूत जो है एलियन से, क्लॉज से, जिलेंग से क्या रिलेटेड है, एलियन क्लॉज आएंगे तो जिलेंगे। देखिए एलियन का मतलब क्या है, आप लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा, कौन सा, जो ऋतिक रोशन का पिक्चर था, कौन सा, जिसमें जादू है, कोई मिल गया। तो कोई मिल गया में वो जो जादू आता है हम लोग उसको एलियन मान लेंगे। और आप 25 दिसंबर को आप सांता क्लॉज, जो क्रिसमस डे होता है उसमें क्लॉज, सांता क्लॉज को क्लॉज याद रखेंगे। और जिलेंगे, जिलेंगे मतलब जलेंगे, बात समझ में आ रहा था। ये 3 नाम आपको याद हो गया, क्या चीज, एलियन क्लॉज आए तो जिलेंगे। तो फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, किसको किसको मिला, एलन एस्पेक्ट को मिला, जॉन क्लॉजर को मिला और एंटोन जिलिंगर को मिला।
ठीक है ना। तो अब कहा जाए कि सबसे पहले समझेंगे इधर की भौतिकी में किन तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। तो आपका पहला नाम क्या है, एलन स्पेक्ट को मिला, दूसरा कौन सा है, जॉन क्लॉजर को मिला, और तीसरा कौन सा है, एंटोन जिलिंगर को मिला। इन तीनों का नाम देखिए, जो साइंटिस्ट हैं, इन तीनों के नाम को अगर आपको याद रखना होगा तो ये क्या है कि भौतिकी क्षेत्र में एलियन क्लॉज आएंगे तो जिलिंगर। और ये आप इसको याद रखेंगे, ये जो ट्रिक है एलियन क्लॉज और जिलिंगर, तो आप इससे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको 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 पढ़ा दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन है किस तरीके से, वो वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है, या फिर क्वेश्चन डिजाइन हुआ क्या चीज कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया। अब देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज व्हाट डू वी नो क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, अभी हम लोग एमसीक्यू के लिए बात कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि इन तीनों साइंटिस्ट को, फिजिक्स के साइंटिस्ट को अगर आपका नोबेल प्राइज दिया गया तो किस लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए। आगे चलते हैं शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, ठीक है। तो पीस के क्षेत्र में ये मिला किसको, मेमोरियल रूस को, ठीक है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है आप ध्यान रखेंगे। और किसको मिला, एलिस बैलिस्टिक को, ठीक है। अब क्या है कि अब बताइए कि पीस के क्षेत्र में क्यों दिया गया, किस लिए दिया गया, मतलब शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है, उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे बात करेंगे थर्ड नंबर, आगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको किसको मिला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा साइंस और टेक के एग्जाम में क्या होगा कि पूछा जाएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसको किसको मिला। देखिए वो नाम याद करने से पहले आप कुछ ऐसे वर्ड्स याद करेंगे, जैसे किरोसिन तेल, ठीक है, जिससे लैंप और दिए वगैरह हम लोग जलाते हैं किरोसिन तेल से। दूसरा क्या है, मोर्टे, जिससे मच्छर भगाते हैं, और तीसरा क्या है, बैरी। ये तीन अगर नाम अगर आप याद रखते हैं तो आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे कि केमिस्ट्री में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्या चाहिए, कैरोलिन बर्टोजी को मिला, तो कैरोलिन से आप किसका नाम याद रखेंगे, इधर किरोसिन का याद रखेंगे। सेकंड क्या है, मॉर्टेन मेल्डल, तो इधर से आप मॉर्टेन का नाम याद रखेंगे। और तीसरा क्या है, बैरी सार्प्लेस। ये देखिए बैरी सार्प्लेस क्या है, इनको 2001 में भी मिला है, ठीक है, इसलिए अभी भी इनको मिला 2022 में, तो सेकंड टाइम भी मिला किनको, बैरी सार्प्लेस को। अब क्या है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस लिए दिया गया, कौन सा ऐसा भाई अचीवमेंट वो लोग लाए, कौन सा ऐसा काम किए जिसके द्वारा इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। तो सुनेंगे, एक क्लिक केमिस्ट्री होता है। देखिए क्लिक केमिस्ट्री क्या है, क्लिक का मतलब होता है क्लिक, जल्दी, और केमिस्ट्री आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को कैंसर हुआ है, तो कैंसर कौन से पार्ट में हुआ है, बॉडी के किस ऑर्गन में हुआ, उसका पता लगाने के लिए, उस कैंसर को खत्म करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन का मतलब फॉर्मेशन करेंगे, उस मेडिसिन को बनाने में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो कितना जल्दी एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेगा, ठीक है, इसके लिए उन्होंने काम किया, जिसके मतलब द्वारा इसका नाम दिया गया क्या, क्लिक केमिस्ट्री। और यहाँ पे लिखा गया बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए अणु को जोड़कर बड़ा जटिल अणु तैयार करना, दवाई केमिकल इत्यादि, बहुत सारे मतलब मॉलिक्यूल्स को ऐड करके एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। देखिए आप किसी भी काम को कर सकते हैं, बढ़िया बात है, लेकिन किसी भी काम को बहुत शॉर्ट टाइम में कितना जल्दी करेंगे ये बहुत ही मायने रखता है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्लिक केमिस्ट्री। और क्लिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया किसको, नोबेल प्राइज। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में तीन जो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया उनका नाम क्या हो गया, कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा क्या है, मॉर्टेन मेल्डल, और तीसरा क्या है, बैरी सार्प्लेस। तो इसको याद रखने के लिए क्या करें आप, किरोसिन तेल, मॉर्टेन और बैरी का नाम आप याद रखेंगे। इज इट क्लियर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर स्लाइड में। देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांति पाबू का नाम आप लोग सुने होंगे। स्वांति पाबू जी को नोबेल प्राइज मिला गया है, मिला है 2022 में, और किस लिए मिला गया, तो इन्हें मानव के क्रमिक विकास के लिए मिला गया है, ठीक है, दिया गया है क्या चीज, नोबेल प्राइज। तो एक ही व्यक्ति को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, किनको मिला है, स्वांति पाबो को, किस लिए मिला गया है इनको, तो क्रमिक विकास पर खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या चीज, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, एनी इनॉक्स को। देखिए एनी इनॉक्स को किस लिए दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं एनी इनॉक्स को 2022 में जो मिला नोबेल प्राइज, करें कि आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करने और लेखन में साहस के साथ संवेदना दर्शाने के लिए।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, आसान भाषा में गंभीर मुद्दों पर बात करनी है। देखिए एक टॉपिक आता है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्या चीज, संचार। संचार कभी भी होता है तो एक होता है क्या चीज, सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच अगर कम्युनिकेशन होता है थ्रू किसके द्वारा, चैनल के द्वारा, तो वो सेंडर किसी भी इंफॉर्मेशन को भेज रहा है तो कितने अच्छे तरीके से वो मतलब उसको भेज रहा है ताकि रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचे और उसको इजी तरीके से समझ जाए। ऐसा कोई नहीं कि हम इंडिया से बोले, चाइना से कोई फोन करके ऐसा कुछ बोले और हम उसको भोजपुरी में हिंदी में बोलेंगे तो हमारा वो कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि आसान भाषा में मतलब इजी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आप किसी भी क्रिटिकल मोमेंट को, क्रिटिकल कंडीशन को अगर आप सॉल्व कर देते हैं, मतलब ऐसा उन्होंने किया मुद्दों पर बात करने के लिए और लेखन में साहस के साथ संवेदना पोलाइटनेस दर्शाने के लिए उनको क्या चीज मिला, साहित्य के क्षेत्र में एनी ऑर्डर्स को नोबेल पुरस्कार मिला। इज इट क्लियर? तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर ऐसा भी कंबाइन होगा तो आई होप यू विल आंसर द क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। देखिए तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको किनको मिला भाई, आप देखिए यहाँ पे फ्लिप, फ्लिपकार्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। फ्लिपकार्ट से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सामान मंगवाते हैं। तो ठीक है, फ्लिप एच डैब विक, ठीक है। दूसरा क्या है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, और तीसरा क्या है, बेन। डियर स्टूडेंट, तो अभी आप देख रहे थे नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो वीडियो, उस वीडियो में आपने बहुत सारे कंसेप्ट को देखा कि मतलब कौन कौन से एरिया में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला, ये सारा चीज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फिजिक्स 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? और हमारे पास ये देखिए क्या है, चार ऑप्शंस हैं और यू मस्ट हैव टू कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे किसको किसको मिला। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो के पहले वाले सेशन में क्या किया था, बताया गया था कि फिजिक्स में किसको किसको मिला, उसको मैंने ट्रिक भी आपको बताया था। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आप हमको बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? हमारे पास ये क्या है कि चार नाम है, आप ये चार में से खुद से आप देखेंगे, अपने मेमोरी को रिकॉल करेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा और फिर उसके अकॉर्डिंग आप हमारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किसे तीन वैज्ञानिक को दिया गया? वास्तव में और ये तो लगता है कि आपको पता ही है, और यहाँ पे क्या है, फोर नंबर मतलब जो है वो ऑल ऑफ सभी को आप बात करेंगे किसको किसको दिया गया, कैसे कैसे मिला, ठीक है, कहाँ कहाँ के रहने वाले। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? आपके पास ये क्या है, चार नाम है, बताएंगे आप। फिर उसके बाद बात करते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ठीक है, 2022 में चार आपके पास नाम है, आप कॉमेंट बॉक्स में उनको कॉमेंट करके बताएंगे क्या है, किस तरीके से। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2022 में, आप कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर करेंगे, आई होप, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखा। इस तरीके से आज के क्लास में आप जाने कि नोबेल प्राइज जो दिया गया है वो कौन कौन से एरिया में किसको किसको दिया जाता है, वो कौन कौन से छह एरिया है जिसमें नोबेल प्राइज लोगों को मिला, और 2022 का ये करेंट एमसीक्यू है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। सो आई होप, मैं समझता हूँ कि आप ये नोबेल प्राइज से संबंधित एमसीक्यू को समझ गए होंगे। अब हम लोग एक ऐसे वीडियो का फॉर्मेशन करेंगे, अगला जो लेक्चर आएगा उसमें ये चीज बताया जाएगा कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में दिया गया तो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्लिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, ये तमाम तरह का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा डीप में हम लोग चलेंगे। तो आई होप आप सारे समझ गए होंगे, क्वेश्चन के आंसर जरूर देंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।